वेलकम ऑन पास एग्जाम बाय मास्टर मुदगिल। आज है 13 जून 2020 और 13 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पंचवटी योजना अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे और इसे ग्रामीण विकास की मनरेगा योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में शोभा शेखर जी को ये मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक भी हैं और इन्हें मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की कलाकार और लेक्चरर को क्वीन के जन्मदिन की साल 2020 की सम्मान सूची में शामिल किया गया है। और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कैपिटल कैनबरा। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपेज ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो जो एमपेज है इसने हाल ही में अभी मास्टर कार्ड के साथ एक भागीदारी की है, एक समझौता किया है। ये क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एमपेज कंपनी है। इसने कोविड 19 महामारी के दौरान ये जिस तरीके की अब ये बीमारी फैल रही है तो इससे संपर्क रहित एटीएम शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है और ये इस तरीके की सेवा देने वाला यूएसए के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है जो ये संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं मास्टर कार्ड के बारे में। तो मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूएस में और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ अजयपल सिंह बग्गा है। जिस तरीके से भारत का रुपे कार्ड है उसी तरीके से ये यूएस अमेरिका न्यूयॉर्क का ही मास्टर कार्ड है, तो इसलिए भारत सरकार रुपे के कार्ड को प्रमोट कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए हल्द्वानी में। तो ये हल्द्वानी में उत्तराखंड में जैव विविधता पार्क खोला गया है और इसे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खोला गया। इसमें वनस्पतियों विशेष रूप से जो औषधीय पौधे हैं उसके संरक्षण को प्रमोट करने के लिए खोला गया। और ये जो जैव विविधता पार्क है ये 18 एकड़ में फैला है और इसमें लगभग 500 प्रजातियों के साथ 40 विषयगत खंड हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोविड 19 महामारी के दौरान जो अपनी रोजी रोटी कमाने में असमर्थ थे जैसे टेलर्स नाई वाशरमैन, तो उनको ये फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए योजना स्टार्ट की गई है। इसमें 10,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी और इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को बेनिफिट होने की संभावना है। तो अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषाई आधार पर अलग होने वाला सेपरेट होने वाला पहला राज्य बना था या नया राज्य बना था भाषाई आधार पर बनने वाला। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री की, जिनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस राज्य ने इस्तेमाल किए गए मास्क को
डिस्पोज करने के लिए बीन 19 लॉन्च किया है। तो ये बीन 19 जो है, जो हम मास्क यूज करते हैं, बाद में उसको फेंक देते हैं, उससे किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड होने का खतरा बना रहता है, तो उससे बचने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए अभी हाल ही में केरल के कोचिन में एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। तो ये उस मास्क को डिस्पोज करने के लिए इसने दो डिवाइस लॉन्च किए हैं जिनका नाम है बिन 19 और यूवी स्पोर्ट। तो ये इससे पर्यावरण क्षति को रोकने में बहुत ही मदद मिलेगी और इससे मास्क के निपटान की समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि लोग इधर उधर फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण को क्षति होती है, उससे उसको उसके जो भी संपर्क में आएगा तो उससे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, दूसरे को भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बनता है। तो इसको रोकने के लिए बिन 19 एक डिवाइस लॉन्च हुआ है। इस मशीन से कार्यालयों में, जो ऑफिसेज हैं, घरों में और अन्य जो सार्वजनिक स्थानों पर ये बहुत उपयोगी कदम होगा। और इससे इसमें एक कंटेनर के अंदर गिराए गए मास्क को पहले एक प्रक्रिया द्वारा डिसइन्फेक्ट किया जाएगा, बाद में इसको कम्प्लीटली डिस्पोज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो कंपनी है उसका नाम था VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस और इसके CEO हैं एल्विन जॉर्ज। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही जवाब है 12 जून। तो 12 जून को ये बाल मजदूरी के खिलाफ हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्तर पर ILO ने अभी एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया है कि लगभग 152 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं और उनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं, यानी कि हैजार्डस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। इनमें भारी उद्योगों में काम करने वाले, सीमेंट उद्योग, कोयला खदानों में काम करने वाले, जो कि उनके जीवन के लिए घातक है, ऐसे कामों में लगे रहते हैं। और अभी COVID-19 के दौरान जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान लोगों का रोजगार छिना है, तो इससे ये संभावना ज़्यादा जगी है कि बच्चों का कहीं ज़्यादा शोषण ना हो। तो इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि लोगों की जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं ऐसे काम कर रहे हो कारखानों में या कहीं ऐसी जगहों पर, तो उनको वहां से निकाला जाए और उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं ILO की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो इसकी स्थापना 1919 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रत्यायन यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिशन डे 2020 का जो थीम है वो क्या है? तो वो है एक्रेडिशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। ये प्रत्येक साल 9 जून को व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत में भी ये दो प्रत्यायन बोर्ड हैं, एक है राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड और दूसरा राष्ट्रीय परीक्षण एवं असांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। तो इनको जो कंट्रोल करती है वो है क्वालिटी काउंसिल। और क्वालिटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस देश ने COVID-19 के लिए सहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? तो ये सहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क अभी हाल ही में अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश ने शुरू किया है और इसमें COVID-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का ये ऑनलाइन नेटवर्क है। इसमें बांग्लादेश में जो कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी अभी ट्रायल प्रोसेस में है जिसे सरकार से अंतिम मंजूरी की परीक्षा है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो वर्तमान में शेख हसीना, कैपिटल ढाका और करेंसी है टका। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए किस संस्था ने फ्लाईजी लॉन्च किया है? तो संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी के छात्रों ने ये संपर्क रहित एक लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसमें निर्बाध हवाई यात्रा की जा सकेगी। इस कंपनी का जो उद्देश्य है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग को शामिल करके यात्रा की प्रक्रिया को
ऑटोमेटिक करके हवाई यात्रा को व्यावसायिक बनाना है। एप्लीकेशन में बोर्डिंग भी शामिल होगी और आसान यात्रा ड्रॉप, बेहतर खरीदारी अनुभव, पार्किंग और पूर्ण यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन है, जो कि हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था, म्यांमार की सेना ताता मडाव ने अभी हाल ही में किस सोशल मीडिया पर दोबारा से वापसी की है। तो जिसका सही जवाब, कई साथियों ने सही लिखा, तो इसका सही जवाब था हमारा फेसबुक। तो फेसबुक पर वापसी की है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये नौकरी पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये था आज का हमारा करंट